कि बंगाल में ऐसी स्थिति है, एक लेडी डॉक्टर को बचा नहीं दे पाया, उसके लिए जब सब लोग रास्ते के ऊपर आया तब बोल रहे हैं कि हम लोग बिहार जला देंगे, हम लोग उड़ीसा जला देंगे, हम लोग असम जला देंगे। मतलब देशद्रोही मामला होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, इतना हिम्मत उनको कैसे दिया है? और इसके लिए उनको मुख्यमंत्री चेयर में नहीं रहना चाहिए। जो देश में एक राज्य का मुख्यमंत्री होते देश को जलाने का बात करते हैं, देश को जलाने का उद्देश्य है। इमोशन हमारे साथ है, उनके इमोशन को मर्यादा देते हुए हम ये लड़ाई कर रहे हैं। बंगाल की बेटी राखी में जिस दिन हम लोगों ने राखी पहना था, बहनों ने हमारी कलाइयों पर राखी बांधा था, उस दिन हम लोगों ने ये वादा किया है कि बहनें एक बहन के साथ जो घटना घटी इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। उस ताकीज में हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीति करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, जनता के लिए पॉलिटिकल पार्टी हम लोग आवाज उठा रहे हैं। जब तक विचार नहीं मिलेगा हमारा जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से गुस्सा है आरजी करके, देखिए गुस्सा इसमें राजनीति नहीं है, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल सब लोग अपने अपने तरीके से आवाज उठा रहे हैं। मुद्दा है इस टाइम में कि आरजी कौर एक विचार जस्टिस फॉर आरजी कौर, जब तक ये विचार नहीं होगा आम जनता नॉन पॉलिटिकली पॉलिटिकली सब लोग रास्ते के ऊपर रहेंगे। आप लोग देखे हैं कि बहुत सारा लोग पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, कारण नहीं है, लेकिन उनका अपने दम से अपने मन का जोर से रास्ते के ऊपर आए हैं। सीएम जिस तरह से धमकी दे रही है दोनों स्टेट्स को कि आग लगा देंगे, जला देंगे, मतलब ये बहुत भयंकर बात है कि आग के साथ खेल रहे हैं। जो बोल रहे हैं कि बंगाल में ऐसी स्थिति है, एक लेडी डॉक्टर को बचा नहीं दे पाया, उसके लिए जब सब लोग रास्ते के ऊपर आया तब बोल रहे हैं कि हम लोग बिहार जला देंगे, हम लोग उड़ीसा जला देंगे, हम लोग असम जला देंगे। मतलब देशद्रोही मामला होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, इतना हिम्मत उनको कैसे दिया है? और इसके लिए उनको मुख्यमंत्री चेयर में नहीं रहना चाहिए। जो देश में एक राज्य का मुख्यमंत्री होते देश को जलाने का बात करते हैं, देश को जलाने का उद्देश्य है। तो पूरा फेल हो गई है, पूरा नाकाम इस्तीफा का मांग कर रही है, लेकिन सीबीआई भी 22 दिन हो सीबीआई के आप लोग देख रहे हैं कि एविडेंस, मतलब एविडेंस पूरा निपटने का कोशिश चल रहा है इन लोगों का। जैसा आप लोग देखे हैं कि आरजी कौर में उसके तोड़फोड़ किया था, आप लोग देखे हैं कि आज जो ऑडियो वायरल हुआ, तीन तीन ऑडियो वायरल हुआ, उसमें तीन तीन बयान अलग अलग है। जो लेडी ने फोन किया था, पोस्टमार्टम का टाइमिंग भी थोड़ा सा गलत है, डेथ सर्टिफिकेट टाइमिंग भी जो बोल रहा है जो लिखने में है वो गलत है, मम्मी पापा का जो बयान है वो भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, वो लोग भी बोल रहे हैं। तो इतने सारा और सेमिनार रूम में इतने सारा लोग घुस गए थे, बॉडी का जो चादर था उसका भी कलर चेंज हुआ, उसका भी बदल हुआ है, इतने सारा कुछ आ रहा है। बस इसमें पूरा कॉन्स्पिरेसी, बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है और एविडेंस लूट कर लिया ये लोग ने और नया करके कोई कुछ स्टोरी सजा के पेश करना चाहते हैं। तो सीबीआई को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोगों को लगता है, विश्वास पूरा है, सीबीआई का लेट हो सकता है लेकिन विचार मिलेगा। दीदी आपको या आपकी पार्टी को क्या लगता है कि इस पूरा घटना टीएमसी ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है? देखिए सरकार तो उनका ही है, इतना दिन से संदीप घोष इतना सारा काम कर रहे, संदीप घोष को अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन अभी बोल रहे संदीप घोष को, कल अभिषेक बनर्जी ने बोला संदीप घोष को अरेस्ट होना चाहिए, कि अभी सीबीआई बोला अभी अरेस्ट होना चाहिए, अभी उसके बारे में सब कुछ पता है, पता चला उसको पहले पहले उसके लिए पता नहीं चला, ये लोग सब कुछ जानता है। ये लोगों को अगर पूछताछ करे तो सच सामने आएगा। 356 का क्या होगा? ये तो सरकार, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व ठीक करेंगे, लेकिन जैसे परिस्थिति यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे ये सरकार चलने के लिए मतलब वो नहीं है, उसका हिम्मत ही नहीं है, डिजर्व नहीं करते हैं ममता बनर्जी।
पार्टी हाईकमान या सरकार पर इस बात के लिए देखिए हम लोग जो चाहते हैं केंद्रीय सरकार का तो एक तो नहीं होगा, केंद्रीय सरकार सिक करेगा कि इसमें किया होना चाहिए, लेकिन हमारा एक ही मुद्दा है पहले विचार चल आने वाले जनरेशन में क्या क्या परिस्थिति होगी। बस विचार के लिए अभी जितना दिन रास्ते के ऊपर रहना चाहिए रहेंगे। इमोशन हमारे साथ है, उनके इमोशन को मर्यादा देते हुए हम ये लड़ाई कर रहे हैं। बंगाल की बेटी राखी में जिस दिन हम लोगों ने राखी पहना था, बहनों ने हमारी कलाइयों पर राखी बांधा था, उस दिन हम लोगों ने ये वादा किया है कि बहनें एक बहन के साथ जो घटना घटी इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। उस ताकीज में हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीति करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। अब ये देखिए ये प्रशासनिक मामला है, मैं ये नहीं कह सकता कि 356 आएगा नहीं आएगा, ये मैं नहीं कह सकता, वो सरकार जानती है। लेकिन बंगाल में 356 नहीं होकर भी इमरजेंसी ही तो चल रहा है, बंगाल में लोकतंत्र है का। घटना कहीं भी हो सकती है, लेकिन राज्य की मुखिया के रूप से उनकी जिम्मेदारी थी कि जो लोग इस घटना में जुड़े हुए हैं उन्हें उनके सजा की व्यवस्था की जाए, लेकिन उन्हें बचाने का प्रयास किया जाए, जो प्रमाण है उसको छुपाने का प्रयास किया जाए, ये राज्य में अन्य देश में अन्य कहीं नहीं हो रहा। जहाँ भी इस तरह की घटना घट रही है वहाँ के जो मुखिया है वो चाह रहे हैं कि दोषियों को सजा मिले, और यहाँ की मुखिया चाह रही है कि दोषियों को बचाया जाए। ये बेसिक अंतर है। सीबीआई को लाया गया जांच के लिए 22 दिन में एक दिन भी हम लोगों ने नहीं देखा कि सीबीआई के लोग बैठकर कॉफी पी रहे हैं, वो लोग भी सुबह से शाम तक लगे ही हुए हैं। प्रमाण को यहाँ छुपा दिया गया है और प्रमाण को नष्ट किया गया है, उसे फिर से रिट्रीव करना है, इसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप विश्वास रखिए एक भी दोषी बचेगा नहीं। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, क्योंकि बंगाल की जनता चाहती है। बंगाल नव जागरण की भूमि है, यहाँ पर यहाँ नव जागरण हो रहा है, यहाँ जनता जाग चुकी है, इंसाफ जरूर मिलेगा।